बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार नक्सली लाल दामन छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। कई बड़ी घटनाओं में शामिल 1 लाख के इनामी नक्सली जिन मिलिशिया कमांडर ने बस्तर SP के समक्ष समर्पण कर दिया। बड़ी वारदातों में शामिल नक्सली जिन मिलिशिया कमांडर बंडी ने बस्तर SP दीपक झा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन मिलिशिया कमांडर 10 वर्षों से नक्सली संगठन में रहकर बड़ी घटनाओं में शामिल था। आंध्रा उड़ीसा के नक्सलियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर लगातार नक्सली आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार की चलाई जा रही समर्पण नीति का लगातार नक्सली फायदा लेते हुए समर्पण कर रहे हैं। समर्पण करने आए जिन मिलिशिया कमांडर को सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी दी गई। उसके ऊपर रखी गई 1 लाख रुपए की इनामी राशि भी सरकार ने उसे दे दी। हाँ, आज बस्तर पुलिस के समक्ष गायतो माडवी कि कलेपाल क्षेत्र में जो मिलिशिया कमांडर के रूप में सक्रिय था उसके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। ये पिछले 12-13 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय था और पूर्व में ग्राम रक्षा दल में शामिल हुआ था। उसके बाद 11-12 में ये जो मिलिशिया कमांडर के रूप में कार्यरत हुआ और कई सारे जघन्य अपराधों में शामिल था, जिसमें कलेपाल और मुंदनार में हत्या, IED ब्लास्ट और मुठभेड़ में शामिल होने के अपराध इनके खिलाफ दर्ज हैं। और शासन की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर, उसके लागू से प्रभावित होकर और उनकी जो खोखली विचारधारा है उससे त्रस्त होकर आज उसने बस्तर पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। हम उसका हमारे परिवार में स्वागत करते हैं और अन्य जो भी लोग क्षेत्र में सक्रिय हैं, जैसे कि ये दरभा के पटना के कलेपाल और उससे लगा हुआ मार्जुम क्षेत्र में सक्रिय था, उस क्षेत्र में अन्य जो लोग सक्रिय हैं और पूरे ज़िले में जो अन्य लोग सक्रिय हैं, उन सभी से आग्रह करेंगे कि आप भी शासन की पुनर्वास नीति का फायदा उठाएं और समर्पण करें। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।